राजधानी के चोमू स्थित टोकस गैस्ट्रो हॉस्पिटल की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही। भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना को लेकर टोकस गैस्ट्रो हॉस्पिटल का गड़बड़झाला उजागर होने के बाद उपचार विवाद लगातार गहराता जा रहा है। शिकायतकर्ता के साथ हुई मारपीट की घटना के विरोध में शुक्रवार को आम आदमी पार्टी ने चोमू तहसील कार्यालय के बाहर क्रमिक अनशन शुरू कर दिया है। क्रमिक अनशन पर पहले दिन मारपीट की घटना में घायल हुआ राजू मनोहर, उसकी बीमार माँ और बहन सहित आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता अनशन पर बैठे हैं। आपको बता दें कि पीड़ित राजू मनोहर ने टोकस गैस्ट्रो अस्पताल के खिलाफ चोमू पुलिस थाने में जानलेवा हमला करने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज करवाया है। काइटली टोकस का माइंड मन बर्ती कराया जा ले जा मारो बच्चों आज बटे सुन से जो मैंने 5 दिन में 4 दिन में वोटी काट दी ओटी काट दी तो मन मारा कहना कहीं बीमारी हूँ ज्यादा बढ़ गई मन मारो बच्चों पाची लेर गई हो पाची लेर गई उदा बिन दम खी उदा बिगा हाथ पैर तोड़ दिया यार मार बाकी दम खेम ओढ़ दे रही।